दोस्तों अभी अभी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वायरल सिंगर रानू मंडल की तरफ से। आपको बता दे रानू मंडल का तीसरा गाना भी वायरल हो गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा रानू मंडल का पहला गाना तेरी मेरी कहानी और दूसरा गाना आदत, अब तीसरा गाना आसकी में तेरी यूट्यूब पर वायरल हो गया है। मैं आपको इस वीडियो में वो गाना भी सुनाऊंगा, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों आपको बता दे हिमेश रेशमिया अपने ऑफिशियल अकाउंट इंस्टाग्राम से पोस्ट लिखते हुए बताया है कि अब रानू मंडल का तीसरा गाना आ चुका है, आप सभी लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, जिस गाने का नाम है आसकी में तेरी। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए वो गाना मैं आपको सुना देता हूँ। संगीतकार हिमेश रेशमिया ने रिकॉर्ड करवा लिया है। अब तो लग रहा है हिमेश रेशमिया के सभी गाने रानू मंडल ही गाएंगी और गानों में तूफान मचाएंगी। बॉलीवुड के नामी संगीतकार हिमेश रेशमिया ने एक बार फिर इंटरनेट सेंसेशन सिंगर रानू मंडल को हैप्पी हार्डी एंड हीर के लिए नया गाना रिकॉर्ड करवा लिया है। आपको बता दें एक गाना उनके सुपरहिट गाने आसकी में तेरी का रिमिक है, लेकिन इस गाने ने रानू की आवाज ने मधुर रस घोल दिया है। गाने का वीडियो देखने के बाद आपको भी इस फिल्म के आने का इंतजार बेसब्री से होने लगेगा। बता दे कि संगीतकार हिमेश रानू को इन दिनों ट्रेंड कर रहे हैं और अभी तक उनके आवाज में कुल 3 गाने रिकॉर्ड करवा चुके हैं, जिसकी जानकारी वे पल पल इंस्टाग्राम पर वीडियो माध्यम से दे रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है रानू मंडल जी के लिए, क्योंकि हिमेश रेशमिया के साथ गाना गाना बहुत बड़ी बात है। कहाँ रानू मंडल प्लेटफॉर्म पर बैठकर भीख मांगा करती थी, आज बॉलीवुड की सिंगर स्टार बन चुकी हैं और अभी तक हिमेश के लिए 3 गाने रिकॉर्ड करवा चुकी हैं। और आपको बता दें कुछ दिन पहले सलमान खान मेहरबान हो गए रानू मंडल जी के ऊपर, और सलमान खान को आप जानते होंगे गरीबों का बहुत अच्छे तरीके से मदद करते हैं, तो उन्होंने रानू मंडल को मुंबई में 55 लाख रुपए का घर दे दिया। और रानू जी ने सलमान खान को बहुत बहुत धन्यवाद बोला, क्योंकि उनको एक अच्छा सा घर मिल गया, पहले उनके पास घर भी नहीं था रहने के लिए। और आपको बता दें अभी तक रानू जी के पास कम से कम 50 ऑफर आ चुके हैं बड़े बड़े डायरेक्टर लोगों के द्वारा, लेकिन रानू मंडल जी अभी किसी का भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, अभी सिर्फ सलमान और हिमेश रेशमिया के लिए काम कर रही हैं। लेकिन आने वाले समय में वे सभी की सभी बॉलीवुड स्टार लोगों के साथ गाना गाएंगी और फिल्म में रोल निभाएंगी। और आपको बता दें रानू मंडल की एक बेटी भी है, लेकिन बेटी 10 साल से अलग रहती थी, जैसे ही माँ का वीडियो वायरल हुआ और वे बॉलीवुड स्टार बन गई, तब से उनकी बेटी भी उनसे मिल ली और पैर पकड़कर माफी मांग ली है। तो दोस्तों रानू मंडल का तीसरा गाना आसकी में तेरी के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।